हेलो फ्रेंड्स, जहां अब तक काजोल देवगन की हेल्थ को लेकर नए नए अपडेट सामने आ रहे थे और उनके कोविड पॉजिटिव होने की वजह से कई तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर छाई हुई थी, तो वही एक और नई खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पर आजकल एक नई खबर बहुत तेजी से फैल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि काजोल देवगन की बेटी नायशा देवगन भी कोविड पॉजिटिव हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि निशा देवगन कोविड पॉजिटिव नहीं हुई हैं, बल्कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी और इसके पीछे डॉक्टर्स ने ये रीज़न बताया है कि उनकी तबीयत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस लेने की वजह से खराब हुई थी। इसका रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि नायशा देवगन की मम्मी यानी काजोल देवगन की इस वक्त तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से नायशा देवगन इस वक्त स्ट्रेस में है और इसी कारण से उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद अफवाहों का फैलना शुरू हो गया था कि शायद नायशा देवगन भी कोविड पॉजिटिव हो गई हैं। लेकिन ये खबर पूरी तरह से झूठी है। नायशा देवगन अब बिल्कुल ठीक हैं और अपने घर वापस आ चुकी हैं। तो बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।